हेलो गाइस, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एको एको की ओरिजिन के बारे में। एको एको चीज की हाइट को देख के उसे मजाक में नहीं लेना चाहिए, उसी तरह जैसे ग्रे मैटर को देख के उसके दिमाग को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये एलियन बेंटन फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद है, खास करके इसकी जो आवाज़ है वो बेंटन फैन काफी पसंद करते हैं। लेकिन जो शख्स इसके सामने होता है वो इसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहता। लेकिन एको एको को अपनी ये पावर मिली कैसे और ये हमेशा ऐसे सूट में क्यों रहता है? वो हमेशा ऐसा रोबोट जैसा क्यों दिखता है? ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कि रोबोट जैसा दिखती है? जैसे एको एको को अपनी ये बॉडी मिली, तो आज हम यही सब जानने वाले हैं। तो चलिए इसकी ओरिजिन शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सनोसिया नाम के प्लेनेट से, जहाँ पर रहते हैं एको एकोज। लेकिन ये स्पीसीज पहले यहाँ पर नहीं रहती थी, और ये प्लेनेट सालों पहले कुछ अलग। ये पूरा प्लेनेट अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसके कारण यहाँ पर रेडियो एक्टिव फील्ड्स बनती रहती है। लेकिन ये यहाँ पर आई केस है, तो सालों पहले यहाँ पर ओलिमंस नाम की स्पीसीज रहा करती थी, वही स्पीसीज जिस स्पीसीज से इंस्पेक्टर 13 आया है। तो ये प्लेनेट बहुत ही हाईटेक हुआ करता था, और इसीलिए यहाँ पर ये लोग सारे टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। और ये लोग यहाँ पर लेवल 13 की टेक्नोलॉजी बनाई, इस पर सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, जिसकी इस प्लेनेट पे बिल्कुल भी कमी नहीं। लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा पहाड़ काट देते हैं, इतना ज़्यादा सिलिकॉन इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट ही तबाह हो जाता है, एकदम प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद भी ये लोग नहीं रुकते और अंडरग्राउंड में जाकर अपना एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। और यही वजह है कि इनके एक्सपेरिमेंट के कारण अब ये पूरा का पूरा प्लेनेट आज इलेक्ट्रोमैग्नेट है और रेडियो एक्टिव है। खैर, हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो इनके अंडरग्राउंड जाने के बाद जो सरफेस है वहाँ पर बारिश होती रहती है और बिजलियाँ कड़कती रहती है। उसी तरह एक दिन एक जो बिजली होती है वो एक सिलिकॉन से बने सूट में जाती है, जिससे वो रेडियो एक्टिव हो जाता है और उसमें जन्म होता है एक सैनवैक्स नाम की नई स्पीसीज का। ओलिमंस जब इसे देखते हैं तो उन्हें एक आइडिया आता है, और इसकी मदद से वो लोग अपना टास्क जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। और वो क्रिएट करते हैं एक नई स्पीसीज को, जो कि सिलिकॉन और रेडियो एक्टिव सॉन्ग वेव से बनी थी। लेकिन इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने सिलिकॉन के सूट के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बंद कर दिया, और तब जाके तैयार हुई एक नई स्पीसीज जिन्हें कहा जाता है सोनर। जो ओलिमंस से उन्होंने सिलिकॉन और बायोजेल बॉन्डिंग को भी मिक्स कर दिया था, जिसके कारण अब ये जो नई स्पीसीज बनी थी इनके अंदर ऐसी काबिलियत थी कि ये अपने खुद के क्लोन तैयार कर सकते थे, कि ये अपने खुद के क्लोन बना पाते हैं। और इस क्लोन की एक खास बात ये थी कि अगर किसी एक क्लोन को कुछ हो भी जाता है, वो मर भी जाता है, तो ओरिजिनल को या किसी दूसरे क्लोन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब ये जो नई स्पीसीज थे वो ओलिमंस के साथ मिलकर उनका टास्क कंप्लीट करने में उनकी मदद करती है। लेकिन एक दिन इस प्रदूषण के कारण प्लेनेट पर एक तबाही आ जाती है, इसके कारण जो बाकी की स्पीसीज थी उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद जो सोनोसेंस होते हैं वो और सैनवैक्स, ये दोनों मिलकर प्लेनेट को सुधारने में लग जाते हैं, और ये काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है सनोरोसियंस के क्लोन की मदद। और अब इनका प्लेनेट एक अच्छा खासा खुशहाल प्लेनेट है। अब बात करते हैं हमारे एको एको की पावर के बारे में। तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज़ वाली पावर है, ये सोनिक अटैक कर सकता है, जिसकी मदद से ये सोनिक अटैक कर सकता है, ये फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर सकता है, साउंड वेव ऑब्जर्व कर सकता है, वॉल ऑफ साउंड क्रिएट कर सकता है, चैम्बर ऑफ साउंड क्रिएट कर सकता है, किसी भी मशीन या कोई भी बड़ा ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पूरा का पूरा मेटल का बना है उसे अपनी आवाज़ की मदद से तोड़ सकता है। इसकी मदद से इसने एक ड्रैगन 13 वाले टैक्स को भी ख़त्म किया था, मुझे पता नहीं है कौन सा टैक है, और कई सारे लेजर ब्लास्ट गन को भी इसने ब्लास्ट किया था। और अल्टीमेट सीरीज में हमें इसका एक अल्टीमेट फॉर्म भी देखने को मिला था। अब तुम लोग सोचोगे कि इसका जो शरीर है वह एक सिलिकॉन के सूट से बना है, तो इसका अल्टीमेट फॉर्म कैसे हो सकता है? तो नहीं, इसका अल्टीमेट तो ऐसा नहीं है, इसका कोई भी अल्टीमेट फॉर्म नहीं है। मतलब इसकी जो स्पीसीज है वो कभी भी इवोल्व होकर ऐसी नहीं बनती है, बल्कि वो तो कभी इवोल्व होती ही नहीं है। बल्कि अल्टीमेट फॉर्म ये जो इसका है, असल में इसका ये जो अल्टीमेट फॉर्म है वो अल्टीमेटिक्स आर्टिफिशियली डिजाइन करती है। और ये जो सूट तुम लोग देखते हो ये उसका ओरिजिनल बॉडी नहीं है, ये उसका एक कंटेनमेंट सूट है, जैसा एनर्जी का होता है वैसे। इसकी मदद से उसकी पावर्स ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कंटेनमेंट सूट में उसके 15 सोनिक डिस होती है, और ये हमें दिखा था मैप ऑफ इन्फिनिटी वाले एक एपिसोड में, जहाँ पर एको एको अपने खुद के क्लोन बना सकता है, ये अपने डिस्क के डुप्लीकेट बना सकता है, और ये अल्ट्रासोनिक वेव निकाल सकता है, और ये भी नॉर्मल एको एको की तरह ही अपनी एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है। इसकी मदद से किसी भी चीज़ को रोक सकता है, या धक्का मार सकता है, या किसी भी ब्लास्ट को एक या कितने भी बड़े ब्लास्ट को रोक सकता है। और अल्टीमेट फॉर्म में आने के बाद ये फ्लाई भी कर सकता है, और ये सोनिक डूम जैसे वार भी कर सकता है, जिसकी मदद से उसने अल्टीमेट केविन को भी पछाड़ दिया था। अब वीकनेसेस की बात करते हैं, तो पहले नॉर्मल की बात करते हैं, तो नॉर्मल एको एको की जो वीकनेस है वो है इलेक्ट्रिसिटी, फायर, लेजर, और बस इतना ही।
दूसरा इसका फिजिकल फॉर्म। इसका फिजिकल फॉर्म तो तुम्हें पता ही है, ये फिजिकली किसी के भी साथ लड़ नहीं सकता। इसके जो क्लोन होते हैं उनकी भी लिमिट ऐसा होती है, इसके पास जितनी एनर्जी होती है ये उतने ही क्लोन बना सकता है। और जो अल्टीमेट फॉर्म होता है उसमें तो ये क्लोन बना ही नहीं सकता, लेकिन इसकी जो सोनिक डिस्क होती है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि कोई भी इसे तोड़ सकता है। साथ ही इसका जो कंटेनमेंट सूट है वो मेटल का होने के कारण इसे लॉर्ड स्टार जैसे एलियन कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। साथ ही ये इलेक्ट्रिसिटी के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है एको और अल्टीमेट एको, दोनों की पूरी ओरिजिन। हो सकता है कि फ्यूचर में मैं इसके साथ किसी दूसरे एलियन की बैटल को लेके आऊँ। तो अगर तुम वो देखना चाहते हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा है मैं जानता हूँ, इसलिए इसको लाइक करो। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ इसी यूनिवर्स के लिए। बाय बाय।